राजस्थान एलडीसी जो 15 गुना की लिस्ट है और जो रिजल्ट है आपका 15 गुना की लिस्ट को लेकर आपके सामने बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि कितनी तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है, 15 गुना की लिस्ट आ रही है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ऑफिशियल न्यूज है। और सबसे बड़ी बात है, क्या 11 अगस्त को जो आपकी एग्जाम डेट बताई गई है, क्या उसी दिन ये एग्जाम होगी या फिर आगे जाने वाली है एग्जाम, तो उस मुद्दे पे दोस्तों बात करने वाला है कि एग्जाम आखिर कब होगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये आ रहा है कि 15 गुना की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर वाले को तैयारी करनी चाहिए, तो आज उस मुद्दे पे भी हम बात करने वाले हैं। यदि आपके जितने मैं आपको नंबर बता रहा हूँ सीटी के अंदर इतने नंबर है तो आपको 15 गुना में जरूर शामिल किया जाएगा, आपको आज से ही एलडीसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आगे मैं आपको 15 गुना की कट ऑफ है वो भी आगे बताने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों जो आपके सामने अच्छी न्यूज आई है वो न्यूज ये है कि आपकी जो 15 गुना की लिस्ट है, मतलब जो आपका जो रिजल्ट आएगा 15 गुना की लिस्ट आएगी कि कौन कौन इस भर्ती में शामिल होने वाला है एग्जाम के लिए, तो ये लिस्ट आपकी दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये बताया है कि जो आपका रिजल्ट है जो 15 गुना की लिस्ट है पूरी तरह तैयार है। जैसे लोकसभा चुनाव के दोस्तों नतीजे आते हैं तो 4 जून से और 7 जून के बीच में कभी भी आपकी 15 गुना की लिस्ट है आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये बोला है कि रिजल्ट आपका पूरी तरह तैयार है, 7 जून तक आपका रिजल्ट है 15 गुना की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही आ रहा है कि इसकी एग्जाम की जो डेट बताई गई है 11 अगस्त, तो क्या ये एग्जाम 11 अगस्त को हो पाएगी या आगे बढ़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको डेट बताई है वही डेट मानकर आप तैयारी करो और डेट आगे नहीं बढ़ेगी, यही डेट को आपकी एग्जाम में होने वाली है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोस्तों और एग्जामों का कैलेंडर भी है वो जारी कर रखा है, यदि ये एग्जाम पीछे सरकती है तो फिर और एग्जामों के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, उन एग्जामों को भी पीछे सरकानी पड़ेगी, तो कर्मचारी चयन बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि और एग्जामों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े। तो 11 अगस्त को ही आपकी एलडीसी के एग्जाम होने वाली है और जो 15 गुना की लिस्ट है वो 7 जून के आसपास आपकी जारी कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही आएगा कि जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट के अंदर किस किस का नाम आ सकता है, मतलब कि 15 गुना की जो कट ऑफ आने वाली है वो कितने नंबर वाला सेफ है, तो उस मुद्दे पे दोस्तों बात कर ले। मैं पहले आपको जो बता रहा हूँ वो नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ, तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की जो रहने वाली है 15 गुना की कट ऑफ वो 160 से 170 के बीच में रहने वाली है। लगभग दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी 15 गुना की वो सेम सी रहने वाली है। तो मेल की मैंने बताई है 160 से 170 के बीच में, यदि जिसके 150 नंबर भी आ रहे हैं दोस्तों उनको भी तैयारी लगातार करती रहनी है जब तक रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन 160 और 70 के बीच में जो है वो तो न्यूमान लेना तैयारी करो, वो बिल्कुल सेफ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेल की हो गई, फीमेल की भी दोस्तों लगभग इतनी रहने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 160 से 170 के बीच में, तो ये बिल्कुल सेफ है मेल और फीमेल। आगे एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी मेल कैटेगरी की 155 से और 165 के बीच में रहेगी और फीमेल की 140 से 150 के बीच में वो रहने वाली है। इसी प्रकार एससी एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो 150 से 160 के बीच में रहने वाली है मेल कैटेगरी की और फीमेल की 140 से 150 के बीच में रहने वाली है। तो ये दोस्तों मैंने आपको नॉन टीएसपी का बता दिया है। अब बहुत का डाउट ये आएगा कि मेरे इनसे थोड़े बहुत कम नंबर बन रहे हैं तो क्या फिर मैं तैयारी छोड़ दूं? नहीं दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सेफ बता रहा हूँ, यदि इससे 4-5 नंबर या 5-10 नंबर कम भी है उनको भी दोस्तों इस भर्ती के अंदर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बच्चे पास किए जाएंगे, 75,000 के आसपास बच्चे पास किए जाएंगे तो उनका भी नाम यहाँ पर आराम से आ सकता है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहो। तो दोस्तों जो आपके सामने न्यूज आई थी, जो अपडेट आई थी वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि इसकी 15 गुना की लिस्ट कब आ रही है, क्या एग्जाम 11 अगस्त को होगी या नहीं होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, और आखिर कट ऑफ वो क्या रह सकती है 15 गुना की वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।